है और उसके लिए सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। परंतु वास्तविक बात यह है कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन नहीं बल्कि वेट फॉर नन शुद्ध है। उसी तरीके से टू एंड टू मैक्स नहीं आएगा, टू एंड टू मैक फॉर, दो और दो चार होते हैं। इस तरीके से बच्चों आपने ये देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने का कायदा यह है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सेंटेंस में अगर प्रोवर्ब, यूनिवर्सल ट्रुथ, रिपीटेड एक्शन अथवा फैक्ट का भाव है तो ऐसे वाक्य में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के लिए आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस मानना चाहिए उसे। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या एस जोड़ो, प्लूरल है तो जैसी है वैसी उतार दो। एक बात यह भी है कि सेंटेंस में अगर नोट आ रहा है यानी सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं है तो उसमें डू डज का प्रयोग भी हो सकता है, उसमें डू डज का प्रयोग भी हो सकता है। यह तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में एक नियम है। ओके, मैं दूसरा नियम बता रहा हूं। सेंटेंस लिखेंगे आप, दिस रोड इज रनिंग फ्रॉम जयपुर टू कोटा। सेंटेंस दिया मैंने आपको, दिस रोड इज रनिंग फ्रॉम जयपुर टू कोटा। मैं बोल रहा हूं आप लिखें, दिस रोड इज रनिंग फ्रॉम जयपुर टू कोटा। सेंटेंस को गौर से देखो, दिस रोड इज रनिंग फ्रॉम जयपुर टू कोटा, यानी ये सड़क जयपुर से कोटा जा रही है। आप जानते हैं कि जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें किसी काम के कंटिन्यू होने का भाव होता है। कोई काम हो रहा है इसका मतलब आज ही हो रहा है, कल नहीं हुआ था और आने वाले कल भी नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस में जो